प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की अगर हम परिभाषा को लेकर चले तो ये हुआ कि परिभाषा यह हुआ कि ये होती है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब इस पर जो है हम ये लेके चले कि अगर हम किसी पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल को लेके चले तो उस पृष्ठ से जो आपकी धारा जो है क्षेत्रफल से धारा जो है वो आपकी प्रवाहित होती है, उस धारा का मान जो है वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से नेट प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करता है या आवेश के मान पर निर्भर करता है। अगर हम ये लिख चले कि किसी प्रश्न का एक हमने क्षेत्रफल लिया तो ये जो है आपका अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल हमने लिया और इस क्षेत्रफल से धन आवेश जो है वो आपका प्रवाहित हो रहा है तो ये जो है आपका हो गया धन आवेश और ये धन आवेश जो है वो आपका इस प्रश्न से जुड़े वो आपका प्रवाहित हो रहा है तो ये भी आपका हो गया धन आवेश। तो माना कि डेल्टा टी समय में प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो है आपका डेल्टा क्यू। तब इस प्रश्न के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा जो है वो आपकी होती है आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा क्यू जो है वो आपका हो गया नेट प्रवाहित होने वाला आवेश, डेल्टा टी जो है वो आपका हुआ समय कि इतने समय में जो है वो आपका इतना आवेश जो है वो आपका प्रवाहित होता है। और अगर हम ये लेकर चले कि यदि स्मॉल टी समय में क्यू आवेश जो है वो आपका प्रवाहित होता है तो उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहीं से अगर हम ये लेकर चले कि यदि डेल्टा टी टेंस टू आपका हो गया जीरो यानी कि डेल्टा टी का मान जो है वो आपका जीरो की ओर अग्रसर है तब उस पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली इस धारा के मान को हम उसका तात्क्षणिक मान कहेंगे। तो ये जो है आपका हो गया आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है कि आई बराबर डी क्यू अपॉन डी। तो ये जो है आपका हो गया धारा का तात्क्षणिक मान। अब यहां से हम धारा के कुछ गुणों को लेकर चले तो पहला गुण जो है वो हम यही लेकर चले कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जो आपकी वैद्युत धारा होती है तो धारा एक मूल राशि होती है कि मूल राशि जो है वो आपकी सात जो मूल राशियां होती है उनमें से वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक मूल राशि होती है। आगे हम ये लेकर चलें इसका जो मात्रक होता है ये मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है और इसकी विमान जो है वो आपकी होती है ए। अब यहां से हम ये लेकर चलें कि जो आपकी वैद्युत धारा होती है वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि होती है अब अदिश राशि होने के कारण जो है वो आपके निम्न होते हैं। पहला कारण जो है वो आपका ये होता है कि I इज इक्वल टू आपका हुआ Q अपॉन T। तो ये जो है वो आपका हो गया आवेश और ये जो है वो आपका हुआ समय तो आवेश ये भी आपकी एक अदिश राशि है समय ये भी आपकी एक अदिश राशि है। तो अगर हम किसी अदिश राशि में किसी अदिश राशि का जो है भाग लगाते हैं तो हमें जो राशि मिलेगी वो भी आपकी अदिश होगी। तो इसलिए वैद्युत धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। अब दूसरा कारण हम ये लिख चले कि J इज इक्वल टू आपका होता है आई अपॉन ए। जे जो है वो आपका धारा घनत्व, आई जो है वो आपकी धारा, ए जो है वो आपका क्षेत्र।
अगर इस सी को हम इस तरह से लिखें कि I is equal to surface integral J vector dot ds vector, तो J धारणा जो कि आपकी सदिश राशि, ds क्षेत्रफल और ये भी आपकी एक सदिश राशि, इन दोनों सदिशों का यहां पर जब आपका डॉट गुणन हुआ तो ये जो आपकी राशि मिलेगी इससे वो भी आपकी एक अदिश राशि होगी, इसलिए धारक जो है वो आपकी एक अदिश राशि होगी। अब इसके बाद हम इसका तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण जो है आपका ये होता है कि धारक जो है वो आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर हम यहां पर ये लेकर चले कि यहां से आने वाली धारा जो है वो आपकी 3 एम्पियर है, यहां से आने वाली धारा जो है वो आपकी 4 एम्पियर है और ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो यहां से जाने वाली धारा जो है अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करे तो ये जो है आपकी 5 एम्पियर होनी चाहिए, लेकिन ये जो है आपकी यहां से जाने वाली धारा जो है वो आपकी होती है 7 एम्पियर, इसलिए धारक जो है आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। तो ये जो है आपकी धारा अदिश राशि हुई, तो इसके लिए जो है 3 निम्न कारण होते हैं। पहला I is equal to Q upon T, तो ये जो है आपका हो गया आवेश बटे समय, आवेश अदिश, समय भी अदिश, तो किसी अदिश में अगर हम किसी अदिश का भाग दें तो जो हमें राशि मिलेगी वो भी आपकी अदिश होगी। दूसरा J is equal to आपका होता है I upon A, जहां J धारा घनत्व, A क्षेत्रफल, तो यहां पर जो है आपका होता है I is equal to surface integral J vector dot ds vector, तो धारा घनत्व सदिश राशि, ds ये भी आपकी सदिश, तो जब दो सदिशों का अगर हम डॉट गुणन करते हैं तो उनसे जो हमें राशि प्राप्त होगी वो आपकी अदिश होगी, इसलिए धारा जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। तीसरा कारण जो है वो आपका ये होता है कि धारा जो है वो आपके सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करती तो यहां से आने वाली धारा 3 एम्पियर, यहां से आने वाली धारा 4 एम्पियर, तो यहां से जाने वाली धारा जो है वो आपकी 5 एम्पियर होती, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए यहां पर जो धारा का मान होगा वो आपका 7 एम्पियर होगा। अब इसके बाद हम ये लिखते हैं कि I is equal to आपका होता है Q upon T, Q जो है वो आपका हो गया आवेश और आवेश का मात्रक जो है वो आपका हो गया कूलम और T जो है वो आपका हो गया समय और ये जो है वो आपका हो गया 1 सेकंड, तो धारा जो है वो आपकी हो जाएगी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर की परिभाषा को अगर हम लेकर चले तो I is equal to Q upon T, तो Q की जगह पर हमने लिया 1 कूलम, T की जगह पर लिया हमने 1 सेकंड, तो यहां पर जो धारा का मान निकल कर आया वो आपका निकल के आया 1 एम्पियर। तो यदि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या हम के 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश हो वो आपका 1 कूलम हो, तो उसकी प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी 1 एम्पियर होगी। इस लाइन को दोबारा से देखो, I is equal to Q upon T, तो Q की जगह पर आपका आया 1 कूलम, T की जगह पर आया 1 सेकंड, तो यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी 1 एम्पियर होगी। अब यहां से हम ये ले बचले कि Q बराबर आपका होता है N T, तो Q की जगह पर हमने लिया 1, N E की जगह पर आपका आ गया 1.6 × 10⁻¹⁹, तो N इज इक्वल टू आपका हो गया 6.25 × 10⁻¹⁹। अब T बराबर हमने लिया 1 सेकंड, तो I इज इक्वल टू आपका हो गया Q बराबर N, तो ये जो आपका हुआ N 6.25 × 10⁻¹⁹, N और E का मान जो है आपका हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन ये जो है आपका हो गया 1, तो इसका अर्थ जो आपका ये हुआ कि यदि किसी चालक के एक सिरे से 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर 1 सेकंड में पहुंचते हैं तो उसमें भी प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो
वो आपकी एक एम्पियर होगी। अब यहां से हम ये लिख लेंगे, कि किसी वैद्युत परिपथ को अगर हम लिख चुके तो इस वैद्युत परिपथ में धारा की दिशा, धारा की दिशा सदैव धन आवेश के प्रवाह, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। तो जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो आपके धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, जबकि ऋण आवेश की दिशा के विपरीत होती है। अब यहां से हम ये लिख चुके कि किसी चालक से जो आपकी धारा का प्रवाह होता है, तो ये धारा का प्रवाह जो है वो आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, यानी कि किसी चालक के एक सिरे से अगर हम ये लिख चुके तो ये जो आपका एक चालक हो गया, तो इस चालक में एक सिरे से जितने आवेश कण या आवेश होंगे वो किसी समय में एक सिरे से जो है वो आपका प्रवेश करेगा, तो उतने ही समय में वो दूसरे सिरे से जो है वो आपके बाहर निकलेगा। तो यहां से प्रवेश करने वाले और यहां से निकलने वाले आवेश का मान जो है वो आपका समान होगा। दूसरा हम ये लिख चुके कि अगर किसी चालक में से धारा का जो है वो आपका प्रवाह होता है, तो ये चालक जो है वो आपका वैद्युत उदासीन होगा। तो आवेश का तो प्रवाह होगा लेकिन ये चालक जो है वो आपका वैद्युत उदासीन होगा। अब आगे हम ये लिख चुके कि भिन्न भिन्न स्थितियों में जो आपके वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो भिन्न भिन्न आवेशित कणों के कारण होता है। जैसे अगर हम ये लिख चुके कि हमने लिया चालक या हमने लिया निर्वातित नलिका, तो चालक और निर्वातित नलिका में जो आपके वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा हम लिख चुके कि अर्धचालकों में जो आपके वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। दूसरा जो है वो आपका होता है कोटर या होल या वीवर के कारण होता है, और ये जो है वो आपके धन आवेशित होते हैं। तीसरा हम लिख चुके वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघटी में जो आपका धारा का प्रवाह होता है, ये वैद्युत अपघटी में धारा का प्रवाह धन आयन तथा ऋण आयन, तो वैद्युत अपघटी में धारा का प्रवाह जो है वो धन आयन तथा ऋण आयनों के कारण होता है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपका इन कणों के कारण होता है। जैसे अगर हम चालक को लेकर चले तो चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। निर्वातित नलिका में भी वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अर्धचालकों में वैद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कोटर या होल या वीवर के कारण होता है, और ये जो है वाक्य होते हैं धन आवेशित। अगर हम वैद्युत अपघट्य को लेकर चले तो वैद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है वो धनायन तथा ऋण आयनों के कारण होता है। तो ये जो आपका होता है धारा का प्रवाह। अब इसके बाद हम धारा के संबंध में कई सूत्रों को हम लेकर चलते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम ये लिख चुके के आई बराबर हम लिख चुके हैं के क्यू अपॉन टी, तो यदि किसी चालक में से टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान जो है वो आपका क्यू, तो आई सी में जो आपका हो गया क्यू अपॉन टी। अब यहां पर हम ये लिख चुके कि यदि हमने कोई भी प्रश्न को लिया
और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमने लिया ए, और इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या जो है वो है आपकी एम, और प्रत्येक कण का आवेश जो है वो है आपका क्यू। तब इसमें जो है वो आपके धारा का प्रवाह जो है वो आपका हुआ आई सी का। अब क्यू की जगह पर जो है वो आपका हो गया एम क्यू, और ये जो है वो आपका हो गया टी, और अगर टी का मान हम एक लेकर चले तो आई सी का आपका हो गया एम क्यू। अब इसी में हम ये लेकर चले, इसी में हम ये लेकर चले, यदि किसी प्रश्न के क्षेत्रफल जो है वो आपका है ए, और एकांक क्षेत्रफल से तो ए का मान हमने क्या लिया एक, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तो डी बराबर आपका हो गया एक प्रति सेकंड, एन आवेशित कण जो है वो आपके गुजरते हैं और प्रत्येक आवेशित कण का मान जो है वो है आपका क्यू, तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी आई सी इक्वल टू एन क्यू और ये आपका ए। तो इसको अच्छी तरह से देखो, अगर हमने किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमने लिया ए, और यदि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशित कणों की संख्या जो है वो है आपकी एम, और प्रत्येक आवेशित कण का आवेश जो है वो आपका क्या है क्यू, तब इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी आई इज इक्वल टू एम क्यू ए। अब इसके बाद आगे हम ये लिख चुके कि एक जो है वो हमने चालक को लिया, तो ये जो है वो आपका एक हमने चालक को कंसीडर किया, इस चालक के दो हमने प्रश्नों को लिया, इन प्रश्नों के बीच की दूरी जो है वो आपकी हो गई डेल्टा एक्स, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो गया ए, और एकांक क्षेत्रफल ये हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय जो है वो आपका हो गया डेल्टा टी, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेशित कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई एन, और प्रत्येक का आवेश जो है वो आपका हो गया क्यू, और इनकी चार्ज जो है वो आपकी हो गई वी। यहां पर दोबारा से इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले हमने एक चालक को लिया, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आपका ए, अब इसमें हमने दो प्रश्नों को लिया जिनके बीच की दूरी जो है वो है आपकी डेल्टा एक्स, और इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशित कणों की संख्या जो है वो है आपकी एन, प्रत्येक का आवेश जो है वो आपका क्यू है, और इनका वेग जो है वो आपका वी है। तब इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को लेकर चलो, तो धारा जो है बाकी हो गई आई जी का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू जो है आपका हो गया नेट आवेश, तो इससे प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के मान को लेकर चलो, तो कुल आवेश जो है वो हम ये लेकर चले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया ए, ये जो आपके दोनों प्रश्नों के बीच की दूरी जो है वो आपकी डेल्टा एक्स, तो ए इंटू डेल्टा एक्स जो है वो इस भाग का जो है वो आपका आयतन हो गया, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेशित कणों की संख्या एन, तो इन आवेशित कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई ए डेल्टा एक्स इंटू एन। अब आवेश के मान को लेकर चले, तो प्रत्येक कण पर आवेश जो है वो आपका क्या है क्यू, तो क्यू की डेल्टा क्यू की जगह पर आपका आ गया ए डेल्टा एक्स एन और ये क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से हम ये लिख चुके ए एन क्यू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो ये जो है बाकी हो गई दूरी बटे समय, तो चार बराबर होता है दूरी बटे समय, और इनका चार या वेग जो है वो आपका क्या है वी, तो आई बराबर एन ए क्यू वी, तो ये जो है बाकी हो गई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। अब इसके बाद हम ये लेकर चले कि यदि किसी चालक में से कोई भी हमने चालक लिया, इस चालक में से दो प्रकार के आवेशित कण जो है वो आपकी गति कर रहे हैं,
एक जो है वो आपका हो गया धन आवेश। धन आवेश का आवेश जो है वो आपका हो गया Q1, और इनकी संख्या जो है वो आपकी हो गई M1। अब ऋण आवेश को लिख चुके, तो ऋण आवेश का मान जो है वो आपका हो गया माइनस Q1, और कणों की संख्या जो है वो आपकी हो गई N। तो ये कण जो है वो आपके T समय में जो है वो आपके प्रवाहित होते हैं, तब इनके कारण प्रवाहित होने वाली धारा को लिख चुके, तो वो धारा जो है वो आपकी हो गई I Z N1 Q1 प्लस N2 माइनस Q अपॉन T। तो I Z आपका हो गया N1 Q1 माइनस N2 Q1 अपॉन T। अब यहां पर कंडीशन जो है वो आपकी ये है कि ये दोनों धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों की गति जो है वो आपकी समान है, यानी कि दिशा जो है वो आपकी समान है। तो धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों जो है वो आपके एक ही दिशा में गतिमान है, तो ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी एम वन क्यू वन माइनस एम टू क्यू टू अपॉन टी। अगर हम ये लेकर चले कि धनावेशित कण जो है वो आपके इसको गति कर रहे हैं और ऋण आवेशित कण जो है वो आपके इसको गति कर रहे हैं, तब ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी आई सी करें एन वन क्यू वन प्लस एन टू क्यू टू अपॉन टी। तो ये प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो गई आई सी करें एन वन क्यू वन प्लस एन टू क्यू टू अपॉन टी। तो ये जो है आपके धारा का ये फॉर्मूला हुआ। अब धारा का एक अन्य फॉर्मूला लिख चुके, उसमें हमने ये लिया कि जो आपका एक वृत्ताकार पथ हो गया, इस वृत्ताकार पथ का केंद्र जो है आपका हो गया O, इसकी त्रिज्या जो है आपकी हो गई R, और एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है आपका हो गया E, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका V, चार से जो है वो आपका इस वृत्ताकार पथ पर जो है वो आपका परिक्रमण कर रहा है। तो जब कोई भी आवेशित कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो वो भी आपका एक धारा की भांति जो है वो आपका व्यवहार करेगा, और ये जो है वो आपका एक धारावाही लूप जो है वो आपका बन जाता है। तब इससे संबंध अगर हम धारा को लिख चुके तो धारा जो है आपकी हो गई आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहां पर टी के स्थान पर हमने लिया इसका परिक्रमण काल। अब टी जो है वो आपका हो गया परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल जो है वो आपका क्या होता है, एक पूरे चक्र में लगा समय। तो इस पूरे चक्र में लगी दूरी ये जो है बाकी हो गई उसकी परिधि, जो कि आपकी हो गई 2 पाई r, इसकी चाल जो है बाकी हो गई v। तो t बराबर आपका हो गया 2 पाई r अपॉन v। अब q अपॉन t इस फॉर्मूले में इसके मान को रख दें, तो i बराबर ये जो है आपका हो गया ev अपॉन 2 पाई r। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर जो है वो आपका गमन करता है तो उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा जो है या उससे संबद्ध धारा जो है वो आपकी होती है आई इज इक्वल टू ईवी अपॉन 2 बाई आर। अब इसके बाद हम ये लिख चुके कि हमने किसी चालक को लिया और उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका आर है, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो आपका क्या है आर। अब उसको हमने किसी बैटरी से जो है वो आपका संबंधित किया, तो उसके सिरों पर हमने क्या लिया, एक विमानतर को लगाया, तो इस विमानतर को लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी I is equal to V upon R। तो दोबारा से देखो, यदि हमने कोई भी एक चालक को लिया और उस चालक के सिरों को हमने किसी बैटरी से जोड़ा, तो चालक का प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया R, और चालक के सिरों पर उत्पन्न विमानतर जो है वो आपका हो गया V। तो इसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी होगी I is equal to V upon R। अब यहीं पर हम ये लिख चुके कि हमने कोई भी चालक कोई भी परिपथ को लिया, उस परिपथ की शक्ति जो है वो है आपकी P, तो P जो है वो आपकी हो गई शक्ति या सामर्थ्य, और V जो है वो आपका हो गया विभव या विमानतर।
तब उसमें बहने वाली धारा जो है वो आपकी होगी I is equal to B upon V। तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आपकी हो जाएगी I is equal to B upon V। दोबारा से देखो, यदि किसी परिपथ की शक्ति जो है वो है आपकी P और उसके पैमाना जो है वो है आपका V या वोल्टेज जो है वो आपका V है, तब उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ये जो है बाकी होगी I is equal to P upon V। अब यहां से हम ये लिख चुके कि जो धारा होती है ये धारा जो है बाकी दो प्रकार की हम लिख चुके हैं। धारा जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, इसको हम बोलते हैं दिस धारा या इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और दिस धारा की परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है कि वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा जो है वो समय पर निर्भर नहीं करती या समय के सापेक्ष जो है वो आपकी स्थिर बनी रहती है, तो इस धारा को हम कहते हैं दिस धारा। दोबारा से देखो, धारा जो है वो हम दो प्रकार की लेकर चलते हैं, एक दिस धारा या डीसी या डायरेक्ट करंट। अब इसकी परिभाषा को लेकर चलें तो वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय पर निर्भर नहीं करती या समय के सापेक्ष जो है स्थिर बनी रहती है, उस धारा को हम कहते हैं दिस्ट धारा। अब नंबर दो, ये जो है बाकी कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम बोलते हैं एसी या इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर हमने लिया समय, ये समय जो है वो आपका हो गया टी, यहां पर हमने लिया धारा, तो ये धारा जो है वो आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होती है या इसका वक्र जो है वो हम इस प्रकार से लेकर चलते हैं। तो इस वक्र से जो है वो आपका स्पष्ट यह होता है कि धारा का मान जो है वो आपका समय के साथ लगातार जो है वो आपका परिवर्तित होता है और दिशा भी आपकी क्या होती है परिवर्तित होती है। अब यहां पर जो है इसका एक पूर्ण चक्र हुआ, एक पूर्ण चक्र के पश्चात यही साइकिल जो है वो आपकी पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस धारा की अगर हम परिभाषा को लेकर चलें तो वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसी मान के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो है आपकी हुई दो प्रकार की धारा, एक दिस्ट, दूसरी जो है आपकी प्रत्यावर्ती धारा।